नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेट का। और चैप्टर सेट में दो वीडियो हमने बना रखा है, पार्ट वन और पार्ट टू। आप उसको जरूर जाके देखें और तब इस वीडियो पे आए पार्ट थ्री। अब इसमें डिस्कस करने वाले टॉपिक का नाम बता देते हैं हम आपको कि कौन कौन सा टॉपिक बना इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, उसके बाद पढ़ेंगे पावर सेट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। तो हेडिंग लगा लीजिए आप। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। तो टॉपिक लगाइए यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को हम लोग बच्चा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1, 2, दूसरा सेट है आपके पास 3, 4, 5, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यूनिवर्सल सेट लिखिए इसका ए और बी का। यूनिवर्सल सेट को आप यू से डिनोट करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, मैं फिर से बता देता हूं आपको कि किसको बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो सेट ए के हर एलिमेंट को कंटेन कर ले और सेट बी के हर एलिमेंट को भी वो कंटेन कर ले। अगर ए और बी के हर एलिमेंट उस सेट के अंदर आ जाते हैं, इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट हुआ। बात समझ में आ गई। तो बताइए इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है, इसके अंदर क्या है 3 है 4 है और 5 है। तो सारे ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे और बी के सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर आ रहे। देखें आप, बी के ये एलिमेंट्स हैं और ए के ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स ये कंटेन कर लिया, चाहे सेट ए का हो चाहे सेट बी का हो, तो मैं कहूंगा कि ये ए और बी का यूनिवर्सल सेट है। इतनी बात क्लियर है आपको। और अगर मान लिया जाए कि मैं आपको फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल दू, यहाँ पे कर दू, यहाँ पे 7 आएगा 7 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक और एलिमेंट लगा देना है 7, काम लगा। 1 आ गया 2 आ गया 7 आ गया, इसके अंदर 3 आ गया 4 आ गया और 5 आ गया। इसका मतलब ये ए और बी का यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब मैं अब सेकेंड जो टॉपिक बताया था प्रॉपर सेट, उसको डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ी जल्दी में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए पावर सेट, खड़ी लगाइए पावर सेट। पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं और हर सेट का पावर सेट निकलेगा। आप इस बात को समझेंगे, पावर सेट से मान लीजिए कोई सेट ए है और उसके अंदर का एलिमेंट है 2, 3, सपोज कर लो, एलिमेंट क्या है 2, 3। चलिए दो एलिमेंट है 2 और 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर ले एक ही, वो कितनी हो तो 2, ठीक। तो पावर सेट ए निकालना है, पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, क्या होता है डेफिनेशन समझे, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट। काम करना, यही बात आपको समझना है और कुछ नहीं। पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट का आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी सबसेट किसको बोलते हैं। तो मैं इस सेट ए का सबसेट तैयार करूंगा। तो पहला सबसेट मैं तैयार कर लू, देखिए एक मैंने नाम लिखा बी और उसके अंदर का एलिमेंट 2। अब मैं क्या नहीं कह सकता हूं तो बी ये सबसेट ऑफ ए, कह सकता हूं कि 2 इसके अंदर आ गया। अगला वाला सी, दैट इज हो गया, तो मैं कह सकता हूं सी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। अगला वाला डी 2, 3, तो मैं कह सकता हूं डी इज अ सबसेट ऑफ ए। और एक बात आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो 5 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट, बिकॉज़ 5 में तो कोई एलिमेंट है होते नहीं, ठीक है। तो कितने सबसेट तैयार हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो इसे सबसेट अगर लिखें तो पावर सेट ऑफ ए लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं 5 है 2 है 3 है 2, 3। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो पावर सेट निकला है ना ए का, वो कितने निकले, 1, 2, 3, 4 निकले। तो टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ए इज इक्वल टू 4। पता है ये 4 क्यों आया है? ये इस पे डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए पर डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर m, वेयर m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, दैट इज m। बस जैसे मान लीजिए यहां पे m कितना था, मैं ये इसी को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब यही m की वैल्यू है। यही किसकी वैल्यू है? m की वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर करें क्या आएगा, 4। तो ये जो 4 हुए ना, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ए दी, क्या दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए दिए, दैट इज इक्वल टू 4। ये बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए आपके पास, पर इसको पॉज करके नोट कर जल्दी से, ओके। अब देखिए, मान लिया जाए आपके पास एक मैं और एलिमेंट बढ़ा देता, ध्यान से देखें, एक एलिमेंट और बढ़ा देता और इस एलिमेंट में मैं अगर एक और डाल देता 5, एलिमेंट 5 एक करके डाल दिया, अब ये कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? तो आप कहेंगे 3। और यही 3 किसकी वैल्यू है, तो एम की वैल्यू। बात को ध्यान रखिएगा, 2 का पावर एम, अभी बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए निकालते हैं 2 पावर एम पर, तो इसमें एम की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब मैं बोलूंगा पॉसिबल पावर सेट निकालिए पावर सेट ए का, तो आप तो जानते हैं कि अभी तो मैंने बताया कि पॉसिबल सबसेट होता है, पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। ए का पॉसिबल सबसेट क्या क्या बन सकता है? तो पहला सबसेट क्या बनेगा बताइए, पहला तो 2 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 3 बनेगा। मैं बोल सकता हूं 2 ये सबसेट ऑफ ए, 3 ये सबसेट ऑफ ए, अगला 5 ये सबसेट ऑफ ए, अगला 2,3 ये सबसेट ऑफ ए, अगला 2,5 ये सबसेट ऑफ ए, अगला 3,5 ये सबसेट ऑफ ए, अगला 2,3,5 ये सबसेट ऑफ ए, और लास्ट 1,5। तो हर एम्प्टी सेट, तो हर सेट का सबसेट होता है। तो गिनिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सबसेट तैयार हो गए। तो ये भी 8 कैसे आया? मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए इज इक्वल टू 2 का पावर एम, इतना ही एलिमेंट निकलने चाहिए। तो 2 का पावर एम, एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेट का पावर क्या है, ये एम की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेट एम जो है नंबर ऑफ सेट ऑफ ए है, ए है। तो मैं बोलूंगा 2 का पावर एम यानी 2 का पावर 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 3 है, इसलिए 2 का पावर k मींस ए। तो जितने यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए आए वो कितने आए, 8 आए, और कंडीशन यहां पे दिया हुआ है। क्या ये मेरी बात समझ में आपको आ गई कि पावर सेट कैसे निकालते हैं? तो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। और तीसरा जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। ये टॉपिक बच्चा मैं थोड़े टाइम देके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनको भी समझना बहुत जरूरी था, लेकिन छोटे टॉपिक थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी भगा दिया। देख इस बात को देखें, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, ये बात समझते हैं, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, क्लियर है। अब देखिए ये आर जो है वो रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, इस बात को समझेंगे। इसमें दो, इसमें क्या है, रियल नंबर है, तो मैं मान लेता हूं कि ए और बी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ए और बी रियल नंबर्स के नंबर है कोई, ए और बी जो कि रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ए इज लेस देन बी, या तो ए बड़ा होगा या छोटा होगा, मैंने मान लिया कि ए ही छोटा है बी से, ठीक है। उसमें दो चीज, तीन चार चीज डिस्कशन करेंगे। पहला तो हम लोग ओपन इंटरवल की बात करेंगे, इंटरवल टॉपिक है,
ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? ओपन का मतलब खुला और क्लोज का मतलब बंद। तो देखिए, अगर ए और बी दोनों पर खुला कर दें हम, यानी ब्रैकेट जो है उसको इस तरह से उल्टा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल कहने का मतलब अब मैं समझाता हूँ आपको, इसको लिखेंगे कैसे। ए इज लेस देन, इज लेस देन एक्स, इज लेस देन, यानी अगर एक्स कोई नंबर है और तो ए और बी के ओपन इंटरवल में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है और जो बी है, ए और बी जो है, यहाँ पे देखिए ये ओपन है, क्लोज तो है नहीं। क्लोज के लिए हमेशा हम ऐसे करते हैं, ओपन के लिए हम ऐसे करते हैं। तो ओपन है इसका मतलब कि ए को कंसीडर नहीं करना है, और बी, यहाँ बी के भी ओपन है इसका मतलब बी को भी कंसीडर नहीं करना है, और ए बी के बीच में जितने भी एक्स सेटिस्फाई करेंगे वो एंड। कहने का मतलब है कि मैं इसे ग्राफ बनाऊं तो मैं ए और बी, ये माना इसको ए और इसको बी, तो मैं ए को ओपन कर दूंगा, ओपन करने का मतलब खुला ऐसे, और बी को फिर ओपन कर दूंगा। तो ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कंसीडर किए जाएंगे और ए और बी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यही इसमें बात है ओपन इंटरवल। अगर मैं पॉज कीजिए आप जल्दी से, अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो यही साइन अब ऐसे बंद हो जाएगा। इसका मतलब बंद हो गया, यानी ए को कंसीडर करना है और बी को भी कंसीडर करना है। तो ए को कंसीडर करेंगे इसलिए हम इक्वल लगाएंगे, और बी को भी कंसीडर करेंगे इसलिए इसको भी यहां इक्वल लगाएंगे। और यहां पे ग्राफ अगर हम बात करें तो ए, सपोज कर लीजिए ये ए था और ये बी है, इसका मतलब ए को क्लोज करना पड़ेगा, यानी इसको डार्कन सर्कल करना पड़ेगा और इसको भी डार्कन सर्कल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए को मैंने कंसीडर किया है और बी को भी कंसीडर किया है, और ए बी के बीच में जितने भी आए हैं एलिमेंट उनको भी कंसीडर किया है, बस इतना ही बात। मेरी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए आपके पास इसी को अगर सेकेंड, ये सेकेंड था, पॉज करके नोट डाउन करें। अब थर्ड की बात करते हैं, कि अगर मान लीजिए हाफ क्लोज इंटरवल है या हाफ ओपन है, हाफ ओपन इंटरवल, अब मान लीजिए हाफ ओपन इंटरवल है तो मान लीजिए ये हाफ इस पे ओपन हो सकता है, तो इस केस में हमको ए को नहीं लेना है, ए को कंसीडर नहीं करना है, इसलिए मैं यहां से हटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बी को कंसीडर करना है तो बी के लिए मैंने इक्वल के साइन रखा है, और यहां पे मैं ओपन करना था तो इसलिए डार्कन सर्कल करना है। अगर मैं इसी को, इसको अब फोर्थ में बताने जा रहा हूं, देखें आप, अगर मैं इसी ए को क्लोज कर दूं और बी को ओपन कर दूं, इसका मतलब ये ए का एलिमेंट तो कंसीडर करना होगा, यानी इक्वल टू लगाना होगा, और बी को कंसीडर नहीं करना होगा, इसको हटाना होगा, और यहां पे फिर से बी को कंसीडर नहीं करना है इसलिए ओपन करना होगा, और ए को कंसीडर करना है इसका मतलब इसको डार्कन करना होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद सिमिलरली आप, अगर हम कह, आपको सब सारी बात समझ में आ गई कि ओपन हाफ और ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, हाफ है क्या है, हाफ ओपन क्या है, हाफ क्लोज क्या है, आप हाफ क्लोज के बाद देख सकते हैं हाफ ओपन भी है तो हाफ क्लोज भी है, तो आप कैसे कैसे इंटरचेंज करेंगे आपको इंटरवल समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपसे एक बात, एक क्वेश्चन और लास्ट में ज्यादा ज्यादा कराता हूं, आप देखें इसको, कि अगर मैं बोलूं कि x belongs to a, a is less than x और x is less than equal to b, इसका मतलब क्या हुआ, आप इस बात को समझें। इसका मतलब ये हुआ कि x a से, a जो है x से छोटा है और x जो है b से छोटा है, इसका मतलब आपके पास ग्राफ बनाया जाए तो a ये हो गया और b ये हो गया,
अगर ए और बी ये हो गया, इसका मतलब कि ए को लेस देन एक्स दिखाना है, यानी एक्स सारे एलिमेंट जो एक्स जो एलिमेंट है सारे एक्स ए और बी के बीच में आएंगे, तो ये वाला पूरा का पूरा जितने भी आएंगे सब यही होंगे एक्स। इसके अलावा ए क्या नहीं होगा, तो ए के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसके पहले इक्वल टू साइन नहीं है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर देना होगा, ठीक। और यहाँ पे इक्वल साइन है इसलिए इसको क्लोज कर देना होगा, बात खत्म, बस इतना ही। अगर मैं इसी को फिर से अगर बोलूं कि a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपको क्लोज करना है क्योंकि देखिए इक्वल है, और इसको ओपन रख देना है क्योंकि यहां पे इक्वल नहीं है। तो अब क्या क्या एलिमेंट होंगे, a भी होगा और यहां से यहां तक सारे एलिमेंट होंगे, प्लस b नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ए नहीं केवल था, बाकी यहां से लेके यहां तक बी को कंसीडर करके सारे थी। इतनी बात आपको इस वीडियो में समझाना था, मैं समझा चुका, और आप इसको एक से दो बार देखें आपको क्लियर समझ में आ गया कि इन्वर्सल सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट किसको बोलते हैं, और इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर किसको बोलते हैं, और कैसे कैसे चेंज करते हैं इंटरवल को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।